दही है, मिक्सी है, बीवी है, तो हम जाके बाहर से हम लस ले गए। घर में ना दही है, चीनी है, बीवी है, मिक्सी है, सब है, लेकिन किचन में एसी नहीं है। और हवा खाते रहते हैं एसी में, यहाँ बैठ जाते हैं, ए चाय बना दो ना, पकौड़ा भी छान दो ना, पर से ये बोलेगी मैं मुझे ये खाना है, और हम पागल तरह वहाँ पर ना पकते रहे। मम्मा देखिए क्या हुआ, हमारे फ्रेंच फ्राइज बना दो। पापा आए हैं ना, उन्हें बोल दो ऑर्डर कर देने। हाँ पापा, मम्मा को इतना काम करना पता है तो किचन में एसी भी नहीं लगवा रखा है, हम लोग यहाँ पे कितना एसी में मजा करते रहते हैं। कर दीजिए ऑर्डर, पक्की रहती है। पूछिए उसका, मैं एसी लगा हुआ है कि किचन में, हेड मैं करना एसी लगा। तो मैं पापा मेरी मम्मी से बहुत प्यार करता है। देखिए आप मंगवाइए ना, तभी तो खाएंगे। ना बनाएंगे आंटी, खाली मुंह बनाएंगी, खाना थोड़ी बनाएंगी। वो तो तब से खाना ही बना रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पुनीता'स लाइफ। तो यहाँ पर ना तनीषा और उसकी फ्रेंड बैठी हुई है, ये लोग ब्लैकबोर्ड पता नहीं क्या क्या बना रही है सीनरी। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि अपने हस्बैंड के ऊपर एक प्रैंक करूँ जिसमें कि पूरा सपोर्ट साथ करे, ये लोग भी। वैसे मैं इसको बोली हूँ, करोगे तनु? करेंगे करेंगे, बोलो जाओ। तो मैं सोच रही हूँ ना कि अभी इतना गर्मी तो है ही, भीषण गर्मी है, और एक मिनट रुक जाओ बेटा। तो इतना गर्मी है और इतनी गर्मी में ना सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम है ना, हाउस वाइफ हो चाहे वो जो भी हो, किसी को भी एक अभी ना किचन में जाने का मन नहीं करता है, इतने गर्मी में खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो पापा अभी आएंगे ना, हाँ, तो पापा बोले, सबसे पहले पापा आएंगे तो तुम लोग बोलना थोड़ी देर के बाद कि मम्मा फ्रेंच फ्राइज बनाइए ना, मेरी फ्रेंड आई है, हम लोगों को कुछ खिलाइए बनाकर, तब मैं वहाँ पर जवाब दूंगी तुमको, मतलब क्या मैं बोलूँगी और क्या इन लोगों को मैं बताती हूँ क्या इन लोगों को बोलना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे चाहिए अपने किचन में एसी, क्योंकि खाना पीना मेरे से नहीं बन रहा है इतनी गर्मी में, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो इसी पर पूरा प्रैंक रहेगा, उस प्रैंक को पूरा आप लोग देखिए कि हम लोग क्या क्या बोलते हैं और किस तरीके से हस्बैंड का रिएक्शन आता है कि वो लगवाते हैं या नहीं लगवाते हैं। और उससे पहले मैं बता दूँ, चिमनी का ऑर्डर दे चुके हैं वो एक चिमनी का ऑर्डर दिए हैं जो कि अभी लगने वाला है घर में। तो चलिए व्लॉग को देखिए आप लोग और एंजॉय कीजिए, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या आता है, लगवाते हैं या नहीं लगवाते हैं ऐसे, फिर मिलते हैं आपसे लास्ट में। लेट है, हॉलीडे होमवर्क हो गया वर्षा तुम्हारा? नहीं, अभी थोड़ा सा और है। तनु तुम अपना कब करोगी, तुम्हें जाना है नहीं जाना है अयोध्या घूमने? जाना है ना। तो हॉलीडे होमवर्क नहीं होगा तब नहीं लेके जाऊंगी, सोच लेना। कहीं भी घूमने जाते हैं ना तो अपना वर्क कंप्लीट करके जाते हैं टेंशन फ्री होकर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कर दूंगी। आ गए है, पटाए हुए हैं, पटाए हुए हैं का है, गर्मी लग रहा है तो हवा खा रहे हैं ऐसी का, और क्या पटाएंगे, हवा खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, काम करने के बाद आदमी आराम ही ना करता है। अरे आप जब बाहर से आए तो लस्सी लेके आना चाहिए था। बाहर से आपको लस्सी लेके आए? लस्सी लेके आते हैं हम लोगों के लिए भी। दही है, मिक्सी है, बीवी है, तो हम जाके बाहर से हम लस्सी लेके आए। घर में ना दही है, चीनी है, बीवी है, मिक्सी है, सब है, लेकिन किचन में एसी नहीं है। एसी नहीं है किचन में, गर्मी लगता है हमको। आप तो बाहर से आके बैठ जाते हैं और हवा खाते रहते हैं एसी में, यहाँ बैठ जाते हैं, ए चाय बना दो ना, पकौड़ा भी छान दो ना, पर से ये बोलेगी मैं मुझे ये खाना है, और हम पागल तरह वहाँ पर ना पकते रहे। मम्मा देखिए क्या हुआ, हमारे फ्रेंच फ्राइज बना दो। पापा आ गए हैं ना, उन्हें बोल दो ऑर्डर कर देने। हाँ पापा, मम्मा को इतना काम करना पता है तो किचन में एसी भी नहीं लगवा रखा है, हम लोग यहाँ पे कितना एसी में मजा करते रहते हैं। तो कर दीजिए ऑर्डर, पकती रहती है। हम बाहर से झुलवा झुल के आ रहे हैं, हम भी तो गर्मी में तब के आ रहे हैं। आप तो गाड़ी में क्या होता है, एसी नहीं होता है गाड़ी में? गाड़ी में घूमने जाते हैं क्या लोगों को? गाड़ी में एसी है ना जी, किचन में कितना गर्मी लगता है, एक तो गर्मी का मौसम, उसके बाद किचन में खाना बनाओ, गैस में से कितना गर्म निकलता है। हाँ, एसी काम करेगा किचन में? हाँ करेगा, एकदम करेगा। हाँ किचन में एसी। अभी आप चिमनी मंगवाए हैं ना, डिमांडिंग मत होना चाहिए, समझे? डिमांडिंग एकदम होना चाहिए, बीवी डिमांड ना करे ना तो पति कुछ ना करे। पूछिए उस घर में एसी लगा हुआ है कि किचन में, है तुम्हारे घर में एसी लगा? पापा मेरी मम्मी से बहुत प्यार करता है। देखिए ये तो प्यार ही नहीं करते हैं जरा सभी। नहीं, अब प्यार करते हैं मम्मी से, है ना, तब एसी लगवा दिए। ठीक है, लग जाएगा ना, अभी तो लगा दीजिए, अभी पहले लगा एसी तो। हाँ पहले लगवाइए एसी,
ये लोगों को देते हैं बना बना कर, नहीं कुछ कहते हैं इससे, मतलब ये लोग सोचते हैं ना कि ये तो बच्चा लोगों को दीजिएगा, लोगों क्या क्या मांग रही है। अरे ऑर्डर कर दीजिए ना, क्या है सर, करिए डोमिनोज से ऑर्डर फ्रेंच फ्राइज और क्या क्या मांग रही है। डोमिनोज और जोमेटो के लिए हम यहाँ मतलब फालतू, हम फालतू बेकार है। तो सुनिए ना मेरा बात, घर हमको आएगा मतलब घर आता है मंगवा दीजिए ना। तुम चुप रहोगे क्यों, मंगवाइए वो बोल रही है ना, फ्रेंड भी आई है मंगवाइए, उसको हम नहीं बनाएंगे अभी किचन में। आपका हाथ मेहंदी लगा है, है? हाँ नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमको नहीं बनाना है गर्मी में, अभी ऐसे में ठंडा में हम है तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? ऐसे ही मोटा जाइए जानते हैं, फिर कपड़ा वपड़ा जो हो रहा है वो भी नहीं होगा, बोलिएगा फिर हमको दौड़ना है वहाँ ट्रेडमिल में जाकर। ट्रेडमिल फिर अपने जो साइज हो जाएंगे उस साइज का कपड़ा ले आएंगे। आपके साइज कपड़ा भी नहीं आएगा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम मोटे हैं क्या? नहीं हम मोटे लगते हैं, बिल्कुल नहीं अंकल, मोटे हैं हो गया कितने मोटे जितने पतली बीबी मिल गई है ना उतना ही दिक्कत है। बताओ नीचे आंटी लोग कितनी मोटी मोटी सब रहती है कि नहीं। जाइए ना ऑर्डर कर दीजिए ना, बच्चा लोग के लिए खाएगा सब। अगर अभी और ऑर्डर किए ना हम हर चीज पे ऑर्डर करेंगे, सोच लीजिएगा। तो क्या ये खाना है बेटा? फ्रेंच फ्राइज सैंडविच पास्ता तुमको आप मंगाएंगे, चुप तुम्हें पिज्जा वगैरह सब कुछ जिंजर ब्रेड कितना गार्लिक ब्रेड एक लिमिट से खाओ ना। अरे तो क्या मम्मी दोस्त आई है, दोस्त आई है तो दोस्त कितना खाएगी बेटा, जो मैं पास्ता मंगवा देती हूँ फ्रेंच फ्राइज और पिज्जा ठीक है। अरे गार्लिक ब्रेड कितना कितना पैसा गया, कहाँ किसके लिए रहे हैं? हम अपने लिए कमा रहे हैं, अपना कलेजा फूटेंगे ना, कोई दिक्कत है आपको? चलिए ऑर्डर कीजिए, घंटा ऑर्डर कीजिए, बनाना बनाइए ना जाकर। सुपर नहीं है घर में बनाइए, कहाँ से बनाएंगे? रोटी तरकारी बनाइए जाकर के जी, गजब वाले गर्मी लग रहा है साथ में। बच्चा लोग बैठा हुआ हम नहीं बोल रहे, बच्चा लोग बोल रहा है कि मंगाने के गए मंगा रहे हैं। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, चलो कुछ नहीं मिलने वाला, तुम लोग जाओ जाकर उधर खेलो जाएगा। दोपहर में खाएगी, खाई हो ना, रात तक खाना ही बनाती रहती है वो भी बिना बना के खिला रहे। दिन बाहर किचन में दौड़ते रहेंगे क्या? जब सुबह चाय नाश्ता सब कुछ बना दिए, दोपहर में खाना बना दिए, फिर चाय पिला दिए, अब क्या आप जब जाइए तब आइए ये बनाओ वो बनाओ, बच्चा लोग डिमांड कर रहा है। आप नहीं बोलेगा, इन लोगों से मंगाइए, आपका फोन नहीं है, आपका पैसा नहीं है, मंगवा लीजिए। हम क्या यहाँ बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए ना, एसी में मोटा रहे हैं, और मंगवाइए खाइए और मोटाइए सब। बच्चा लोग निकल जाइए इस घर से, अच्छा रहेगा। निकाल देंगे भी आप ही को ना, सब हंसेगा फिर सब। जल्दी से एसी लगाइएगा, एसी फ्री में मिल रहा है क्या वहाँ पे? पापा अभी चिमनी मंगवाया है ना पापा, पैसा फर रहा है पेड़ में क्या? चिमनी मंगवा दे, एसी मंगवा दे, एसी मंगवाइएगा तो किचन में खाना बनेगा। ज्यादा बोलोगे दूसरी मम्मी लाइन उठा रहे। जब भी हम लोग किचन में जाते एक सेकंड में पसीना आने लगता है क्या बेटा? जब भी हम लोग किचन में जाते एक सेकंड भी नहीं लगता है पसीना में आने में। मम्मी यहाँ घंटों घंटों किचन में खाना बनाती है तो नहीं, ये आदमी तरस नहीं आता है जरा सा भी। अरे यार तो अपने औकात के हिसाब से आदमी काम करेगा कि क्या औकात नहीं है? नहीं है, मेरा हैसियत नहीं है इसी का, समझे? तो यहाँ कैसे निकाल के मारा गया? एसी लगा लीजिए घर में, जब भी लगा तो कौन भरेगा? एक एसी घर में लगा हुआ है भी मंगा जैसा, एक लगा हुआ है ना, यही एसी उठा के वहाँ लगा दीजिए, ये एसी उठा के वहाँ लगा। कितने में सोइएगा? हम सो जाएंगे वही बेटी को लेकर। आप तो ये यहाँ सुनिए, ड्राइवर मत कीजिए, बेकार उठा रहे, गुस्सा उस आएगा, बेकार हम कर देंगे खराब। सुनिए क्या कर देंगे खराब, बनाइए ना जाकर, हमको एसी लगवाइएगा तो खाना बनेगा यहाँ का। ग्लूकोन्डी में लग दीजिए। हाँ यहाँ ग्लूकोन्डी, यहाँ आप में ताकत नहीं है ग्लूकोन्डी इनको घोल के दे। बीपी लो मेरा हो रहा है, हमको कोई ला के देता ही नहीं है कभी। जब बीपी लो की चक्कर गिर जाते हैं तो भी नहीं बोलते हैं कि हाँ लाओ चीनी पानी का घोल दे दे इसको। अरे कम से कम अभी ले आइए ना, बच्चे लोग क्या सोचेगा जी? बच्चा लोग यहाँ ये बोल रहा है कि अंकल एसी लगवा दीजिए, मेरे पापा मेरी मम्मी से प्यार करते हैं तो एसी लगवा दीजिए आप। हम प्यार नहीं करते, हम बेकार पीट देंगे, सुनिए इतना प्यार नहीं मेरे अंदर। आप पीटिए जरूरत हमको, ज्यादा पीटने वाले हुए हैं।
हाँ मत बोलिए, इसलिए बोल रहे शांत रहिए, हम कर देंगे, तुम लोग का ऑर्डर हम कर देंगे, अभी रुक जाओ। आपका नहीं करेंगे, मत कीजिए। जिसको लस्सी पीना है पीजिए। कीजिए जल्दी। चाहिए चाहिए बेटा। फ्रेंच फ्राइज। मम्मा आप कितनी अच्छी हो, पापा तो एकदम गंदे हैं। वही तो, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते आंटी से। मुझसे भी नहीं करते, ऑर्डर भी नहीं कर सकते। नहीं बना रहे हम, ऐसी ऑर्डर करिएगा, करवा लीजिए उसे फोन से, कर ठीक है छोड़ देता हूँ, हम ऐसे भी ऑर्डर करेंगे। जल्दी कीजिए, चले गए उनको बुला के लाओ ना, कुछ तो बोल के लाओ, तो मुझे बनाएंगे और। पापा सॉरी, सॉरी नहीं बोल रहा है। पापा एसी मंगवाओ, खाना भी मंगवाओ। एसी तुम बुलाओ, अंकल इधर आइए। अंकल तेरे तुम इधर आओ, इधर आइए। क्या नहीं ला, नहीं लगवाना है आपको? हमको नहीं लगाना है। चाहिए तो क्या, पानी है, पानी भी लेनी है। मुझे भी चाहिए था, जाके ले जाके। वो दे दीजिए मम्मी को, बोलो मम्मी भी देगी क्या? मम्मी गर्मी लगता है ज्यादा, तुम लोगों को नहीं गर्मी लग रहा, सबका गर्मी छोड़ा देंगे वो, समझे? तुमको चाहिए क्या? चाहिए पिज्जा, बोल दो अंकल को पिज्जा मंगा देंगे। मैं खाई थी तुम बेटा, इससे कहना पिज्जा। हाँ इसे अगर पिज्जा खाई ना, बेटी जाती है तुम्हारा खाते, उसे पापा खिला दी, आपको नहीं मंगा सकते है क्या? ऑर्डर कर दीजिए, ऑर्डर कीजिए जल्दी से। हम जो ऑर्डर करेंगे ना, तो मेरा ऑर्डर जो है कम चार्ज में। पापा कितने अच्छे हैं, आज तो ऑर्डर भी नहीं कर पा रहे। बोलो मम्मी कर रही है ना, ऑर्डर क्या हो गया, फोन खराब हो गया है? हाँ मेरा हैंग कर रहा है, मंगवाइए, कर दीजिए ऑर्डर। हमको नहीं करना, हम पिज्जा भी बना लेंगे और लस्सी भी बनाएंगे, किसी और क्यों बनाएंगे हम, जहाँ एसी लगा हुआ वहाँ जाके बनाएंगे। हाँ तो उनका मम्मी का पढ़ाई है, मेरा ऑफिस में ना एसी लगा हुआ, वहीं जाके बनाएंगे, वहीं खाएंगे। आप छोटे हो तो कितने गंदमी प्यारी मम्मा। नहीं हो रहा है यार, ऑर्डर कर दीजिए ना, समझ में नहीं आता बच्चा घर में आया हुआ है। क्या चीज़ अपने ड्राइंग करना, क्या चीज़ मम्मी, बताओ। पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रेंच फ्राइज, और क्या तुम बोल रही थी, पास्ता। चुप रहिएगा, आप तो पूछ रहे हैं। वही बोल रही थी पास्ता। हाँ तो हम पूछ रहे हैं ना, मेरा मन नहीं है। पास्ता। क्या? पास्ता। पास्ता और? पिज्जा। पास्ता और पिज्जा बस, और कुछ नहीं। फ्रेंच फ्राइज। कोल्ड ड्रिंक। पास्ता पिज्जा कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है। पास्ता पिज्जा फिर आपसे पूछे। मम्मा के लिए भी एक ही है। मम्मा के लिए कुछ नहीं आएगा। क्यों? मम्मा अपने जाके जाओ। कोई नहीं, मैं अपनी मम्मी को मम्मा के लिए इसी में खाएंगे सब। हम लोग अपना शेयर करेंगे। हाँ। ए मेरा एसी लगेगा कि नहीं लगेगा, हम ये बताइए तो। मेरा दिमाग बहुत खराब है, अभी हम लोग ऑर्डर करने दीजिए पहले। ऑर्डर क्या करना, तुम लोग चलो एक काम करो, नीचे वो जी सूट से चलो सीन दोनों का। चलो। ऑर्डर क्या करना है, ऑर्डर आने लगने में आधा घंटा लगेगा। तो हम ही लेंगे। आप एसी का हवा खाइए बैठ कर, ठीक है? चलो। चलो। तनु। एसी नहीं लगेगा बेटा मेरा। हाँ एसी लगवाइए। एसी लगवाइए। खाना है पिज्जा की एसी लगवाना। हम बस इतना बोले कि हमको एसी लगवा दीजिए किचन में, हम सिर्फ खाना बना, ये सारा खाना हम बना देंगे, लेकिन लगवा दीजिए पहले एसी। मेरे हाथ का नहीं खाना है, किसके हाथ खाना है, दुकान वाले का कि मेरे हाथ का? एसी लगवाइए। तो चिमनी कैसे करते हैं? हाँ चिमनी क्यों कैसे कीजिए, तो ऐसे काम करेगा, वही ना बोल रहे थे। तनु आराम से बता, से नहीं एसी लगवाइए, हम बना देंगे एसी। अभी हम जाएंगे नहीं, पागल है क्या? बनाई तुमने, एसी लगवाएंगे जी, पहले एसी लगवाइए ना। अभी आप एसी अभी तुरंत बोल दो, क्या है चुटकी बजाते एसी लग जाएगा। अच्छा एक काम कीजिए, एसी ऑर्डर कर दीजिए, इन लोगों को खिला खिलाइए नीचे से, उसके बाद हम, उसके बाद आपको लस्सी दीजिए मुंह लगा के। हाँ एसी लग जाएगा तो भाड़ लग जाते एसी। तुम लोग खाना खाओ, चलो चलो आओ। आंटी तो माने नहीं, चलो
काम करते हैं एसी का हड़ताल करते बहुत उम्र प्लानिंग कर रही है क्या प्रैंक कर रहे थे ये प्रैंक सक्सेसफुल कहाँ सक्सेसफुल वो लगवा ही नहीं रहे हैं अरे हाँ लगवाई है तो बच्चा लोग भी मिला नहीं है प्रैंक में हाँ करो प्रैंक जा पकड़ो किसी को कुछ नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा प्रैंक करे तू प्रैंक पकड़ो वर्षा भाग जाएंगे बहुत भागते हैं और जल्दी लेके जल्दी से सबको आप ऐसी हवा खाइए हम जा रहे हैं गर्मी में सुनिए हाथ में भी ऐसे किचन में भी ऐसे अच्छा नहीं बाजू में भी ऐसे इसके बाजू में भी ऐसे है सोचिए समझे प्यार ही नहीं करते हैं ये हमसे जो आदमी प्यार करता है ना किचन में भी ऐसे लगवा देता है पापा लगवाए हैं तुम्हारे ऐसी किचन में देखिए हम तो ऐसी लगवा ही देंगे लेकिन ये ड्रामा नौटंकी की थोड़ा लगाएंगे क्यों नौटंकी का नहीं लगेगा हम जाने नहीं देंगे जिनने ऐसे डिलीवर होगा उस दिन हम ऐसी ऑर्डर करेंगे समझे सच्ची सच्ची कर देंगे मेरा छोड़ो कर देंगे हम विश्वास से कर देंगे मुझे विश्वास नहीं है कब से मैं हमें बोल रही गोवा ले जाने के नहीं लेकर जा रहे गोवा क्यों का बोली है गोवा बोला तो था मैंने और हाँ पापा ने तो दरवाजे पीछे क्या करो दो क्या परेशान हो गए